सब्सक्राइब कीजिए YP न्यूज चैनल को। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 17 साल पहले सनी देओल की फिल्म आई थी गदर। इस गदर में एक छोटा सा बच्चा था, वो तो आपको याद ही होगा। अब वो बच्चा हो गया है बड़ा और हो गया है जीनियस। जीनियस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि उसकी फिल्म आ रही है जीनियस। नाम है उत्कर्ष शर्मा। प्रोड्यूसर अनिल शर्मा लेकर आ रहे हैं अपनी फिल्म जीनियस, और इस जीनियस फिल्म से वो अपने बेटे उत्कर्ष शर्मा को कर रहे हैं लॉन्च। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है, ट्रेलर है बेहद खास। इस ट्रेलर में उत्कर्ष शर्मा अपने ऑन स्क्रीन पिता सनी देओल की तरह ही एक्शन अवतार में नजर आएंगे, लेकिन उनके साथ होगा रोमांस का तड़का, जिसे फिल्म में भरपूर जगह दी गई है। करीब 3.25 मिनट के इस ट्रेलर में आपको देखने को मिलेगा रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा और खूंखार विलेन भी, जिसका रोल किया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। फिल्म के ट्रेलर से साफ है कि इस फिल्म में लव स्टोरी के एंगल के साथ देशभक्ति का जबरदस्त अंदाज दर्शकों को देखने को मिलेगा। ट्रेलर की शुरुआत एक कॉलेज से होती है जहां पर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं उत्कर्ष शर्मा, लेकिन वो अपने कॉलेज में संस्कृत और शुद्ध हिंदी बोलता हुआ नजर आता। फिल्म में उत्कर्ष के साथ एक्ट्रेस इशिता चौहान भी हैं, उनकी भी ये डेब्यू फिल्म है। प्यार की इस कहानी के बीच फिल्म का हीरो एक मिशन पर है जो देश की रक्षा से जुड़ा है। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेहद खतरनाक विलेन के अंदाज में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में उत्कर्ष एक रॉ एजेंट का रोल प्ले कर रहे हैं और वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से साफ साफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म में नवाजुद्दीन के साथ मिथुन चक्रवर्ती और एक्ट्रेस आयशा जुल्का भी है। उत्कर्ष शर्मा की जीनियस 24 अगस्त को रिलीज होगी। तो ये थी आज की जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।